आपस में बंटवाना इस बात का भी कर लेते हैं कि हम 20 बिस्मा है 16 बिस्मा है या 12 बिस्मा है। आप ये नहीं करते हैं कि आप ये नहीं देखते हैं कि आप कह देते हैं हम तो कायम कुछ है समाज है या सदर पानी है आप हम त्यागी है यहाँ अन्य, लेकिन इस चीज को छोड़ करके आप तो ब्राह्मण समाज बन करके और एक साथ इकट्ठा होने की जरूरत है एक ब्राह्मण समाज के नाम से आने की। जब आप इकट्ठा होंगे तो आप सारे 16% सरकारी आंकड़े 13% बताते हैं, 16.5% 3 करोड़ से ऊपर ब्राह्मण समाज के लोग होते हैं और अगर 3 करोड़ लोग इकट्ठा हो जाए तो आपकी ताकत का एहसास पूरे प्रदेश को पूरे देश में हो जाएगा। लेकिन ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि हम 16% रहकर के भी हम एक ही सीट नहीं जीत सकते, सीट जीतने के लिए हमको 16% नहीं हमको 30% के ऊपर जीत और वो तब हो सकता है जबकि आप हमारे साथ में जो हमारे भाई बहन दलित समाज के हैं जिनके साथ भाईचारा बनाने के हमने आपसे अनुरोध किया है वो 23% है और उनके साथ पहले से ही लोग जुड़े हुए अन्य समाज के लोग जुड़े हुए, जब उनके साथ में आप होंगे तो आप सोचिए 13 और 23 अगर मिला दें तो ही आप 36 हो जाते हैं और सब अगिन को जोड़ लें तो आप पूरे प्रदेश में सबसे भारी होगा और आपकी सरकार और आपको जीतने से कोई रोक नहीं। बहन मायावती जी ने जब 9 जून 2005 को ब्राह्मण समाज इकट्ठा हुआ था लखनऊ में पूरे प्रदेश में सम्मेलन करने के बाद तब उस समय 5 लाख से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग वहां थे, शंखनाद करके 11,000 लोगों ने उनका स्वागत किया था। बहन मायावती जी ने ब्राह्मण समाज की तैयारी को देख करके उन्होंने जहां पर उन्होंने कहा कि हमारा नारा जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी उसको बदल करके और जिसकी जितनी तैयारी उतनी उसकी हिस्सेदारी का नारा जब गणेश जी की प्रतिमा में उनके हाथ में थी तो गणेश जी की प्रतिमा लेकर के वो माइक पर गई और उन्होंने कहा हाँ जी नहीं गणेश है ब्रह्मा विष्णु महेश है और ये कह करके अपनी मांग और उन्होंने कहा करके आज आपकी तैयारी देख करके हम ये आपको भरोसा दिलाते हैं कि हमारी सरकार बनेगी और सरकार बनने के पहले भी भागीदारी देने में हम आपको बढ़ चढ़ करके भागीदारी देंगे। 40 की जगह 85 सीटों में लगवाने का काम किया था जिसमें से 45 को ब्राह्मण समाज से जीत करके गए। उन्होंने फिर जब सरकार बन गई तो बहुमत की क्योंकि दोनों हाथ खोल करके अन्य समाज के साथ साथ में उन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों को भी बढ़ चढ़ के देने का काम किया।